आईसीएआई की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल यानी सीआरआईसी के उपक्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम है। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़े हैं। यही हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप यहां पर पधारे और आपने हमको समय आज दिया है अपने कीमती समय में से, तो कुछ ना कुछ हमारी फ्रेटर्निटी के लिए हम डिमांड करते हैं कि आप आपके डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अगर वहां पर वित्तीय नियंत्रक या सीएफओ के रूप में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति करते हैं डायरेक्ट नियुक्ति, तो निश्चय ही ये राजस्थान राज्य की बढ़ोतरी में एक बहुत बड़ा कदम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आईसीआई। आप म्यूट है दिनेश जी। बहुत धन्यवाद नीलेश गुप्ता जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसे हमारे चेयरमैन सर ने कहा, मैं भी इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का योगदान उद्योग के अंदर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पौधा लगाया जाता है, तो पौधा लगाने के बाद में उसकी लगातार सार संभाल लगातार देखभाल करने के बाद ही वो एक बड़ा पेड़ बनता है। तो सर, इसी प्रकार से हम जब एक बिजनेस एस्टेब्लिश होता है तो बिजनेस एस्टेब्लिश करने के बाद में उसकी सारी जितनी अप्रूवल्स आना, साथ में उसके लिए फंडिंग अरेंजमेंट के बाद में उसकी जो सारी कंप्लाइंस रेंज है, उन कंप्लाइंस के अंदर में हम उस उद्योगपति के साथ में लगातार साथ खड़े रहते हैं। तो आपसे हमारे दिनेश जी, मैं यहाँ पर साहब को यह भी एक हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव वाले वर्ष में हमारी संस्था का 70वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और इन 70 सालों के इतिहास में पहली बार हमारी संस्था को सेकंड बेस्ट रीजन का अवार्ड कल दिल्ली में मिला है। तो यह सब संभव हो सका है आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, प्रेम से और स्नेह से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सेकंड बेस्ट रीजनल अवार्ड हमको मिला है पूरे कंट्री के अंदर, और मारवाड़ी सीए की जो पहचान है और जो उसकी जो नीड है वो पूरे देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर वो जग जाहिर है। तो बस हमारा सर आपसे निवेदन यही है कि हम 24/7 तैयार हैं सर का साथ में कंधा से कंधा मिला के काम करने के लिए। बस ये देश और ये राजस्थान ये लगातार आगे बढ़ता रहे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब से, वो आए और हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय अशोक गहलोत साहब। श्री नीलेश गुप्ता जी चेयरमैन सीआईआरसी, अतुल अग्रवाल जी वाइस चेयरमैन, शशिकांत जी सेक्रेटरी, दिनेश कुमारी जैन ट्रेजरर, आशीष गुप्ता जी, नीरज गोयल जी, सुनील सेठिया जी, गिरीश आहूजा जी, राजेश गुप्ता जी सेक्रेटरी सीएम, एम एस बी सी से जुड़े हुए तमाम राजस्थान व अन्य राज्यों के तमाम हमारे प्रोफेशनल्स, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के उप क्षेत्रीय सम्मेलन में मुझे भी आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। मैं आयोजकों का आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। हम सब जानते हैं कि देश आज़ाद हुआ के साथ साथ में जो संस्थाओं का निर्माण हुआ उसमें एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी है। पंडित नेहरू ने दूरदृष्टि रखते हुए उस वक्त जो कल्पना की थी इस मुल्क की, मुल्क के भविष्य की, उसके कारण ही संभव हुआ। उस जमाने में 49 के अंदर संसद ने अगर बन जाए तो आप सोच सकते हैं कि चार्टर अकाउंटेंट एक्ट बनना उस वक्त में इस बात का प्रमाण है कि चार्टर अकाउंटेंट का महत्व क्या है समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, औद्योगिक विकास के लिए। पूरी अर्थव्यवस्था देश की टिकी हुई है इस संस्था पर। CNAG के माध्यम से आप देखते हैं कि उसका क्या महत्व है देश के अंदर। इस प्रकार पूरे देश की इकोनॉमी सभी विभागों की, और किस प्रकार से चार्टर्ड अकाउंटेंट और CNAG जो काम करते हैं
मैं खुद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर रहा हूँ 80 के अंदर। एमपी बना तब मैं पीएचए का मेंबर था, तो मुझे इसका एहसास इस बात का है कि आपका क्या महत्व है। और इस अब जो आज प्रोग्राम हो रहा है उसमें करीब 500 जुड़े हुए लोग राजस्थान के, और मुझे बताया गया यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड के भी प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं। मैं अपनी ओर से और राजस्थान प्रदेश जनता की ओर से उन तमाम साथियों का जो पूरे देश के कोने कोने जुड़े हुए हैं प्रोफेशनल, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 164 शाखाएं आपकी है और 44 चैप्टर मैंने सुना विदेशों के अंदर भी है, और ये संस्था हमेशा एक्टिव भी रही है। आपके चुनाव भी होते हैं मुझे मालूम है, आप भी हमें राजनीति की तरह घूमते हैं पूरे देश के अंदर वोट मांगने के लिए और आपके अंदर भी वो भावना रहती है कि हम भी इलेक्ट होकर के आके इस संस्था के माध्यम से सेवा करें। मुझे भी जानकारी मिली कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स के बाद में ये ICAI जो है सबसे बड़ा प्रोफेशनल अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है। ये बड़े गर्व की बात है दुनिया के अंदर, हम कहाँ स्थान रखते हैं ये बताया गया। और 7 दशकों में भी प्रोफेशनल्स एक के बाद एक आपने अव्वल दिए हैं। आप सब को जानकारी भी होगी राजस्थान भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में आगे है देश के अंदर, और जिस शहर से मैं आता हूँ जोधपुर से वो देश के अंदर सबसे नंबर वन पर रहा है। जो है फर्स्ट पोजीशन जो आए हैं पूरे देश भर में वो जोधपुर के लोग आए हैं लंबे समय तक, इसलिए मुझे तो गर्व हो रहा है कि आज मैं आप लोगों के बीच में बैठा हुआ बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जितना उद्योग बढ़ेगा, उद्यमी बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा, उतने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की प्रोफेशन वो आगे भी आएंगे और अपना कंट्रीब्यूट भी करेंगे। सरकार हर बजट में कुछ कुछ चेंज करती रहती है, एक व्यापारी के लिए, उद्यमी के लिए ये संभव नहीं है कि वो सब की जानकारी डिटेल में ले सकें। इसलिए आपकी भूमिका तो बहुत बड़ी भूमिका है, किस प्रकार एक तरफ सरकार की रेवेन्यू बढ़े और दूसरी तरफ जो आपके कंज्यूमर है या जो आपके उद्यमी हैं उनका आप गाइड कर सकें। और वो काम मैं समझता हूँ कि आप लोग बखूबी कर रहे हैं। देश में आपकी आपके फर्म्स, कई तरह की फर्म जो हैं वो बड़ी मानवीय फर्म्स है देश और दुनिया के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो फर्म्स होती है जिसमें के लोग काम करते हैं, तो ये तमाम बातें हम सब की जहन में हैं। और अब तो ई कॉमर्स के साथ में जो ये डिजिटल करेंसी का मामला आ रहा है, बिटकॉइन आ रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा देश के अंदर, तो आपकी भूमिका और ज़्यादा बढ़ने वाली है। GST आ गया, उसके पहले वैट था, तो समय समय पर हम लोग भी एमनेस्टी स्कीमें निकालते रहते हैं। अभी भी हमने कई एमनेस्टी स्कीमें निकाली और आप सबने उसका स्वागत भी किया है। अभी मैंने प्री बजट मीटिंग करी है, उसमें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथियों ने भाग लिया, अच्छे सुझाव दिए। हम कोशिश करेंगे उन सुझावों को अगले बजट के अंदर हम लोग किस प्रकार स्थान दे सकें, जिससे कि हमारा बजट जो आने वाला है मैं समझता हूँ कि उसके माध्यम से हम लोग अगर उन समावेश करेंगे सुझावों को, उसका लाभ यहाँ के उद्यमियों को मिलेगा और आर्थिक गतिविधियाँ और बढ़ने में हमें सहयोग मिल सकेगा। ये भी खुशी की बात है, गंगानगर में आप एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक स्थान का भी अपना एक, कहाँ तो राजधानी जयपुर, कहाँ गंगानगर पाकिस्तान के बॉर्डर पर, वहाँ भी जाके आप एक मैसेज दे रहे हो प्रोफेशनल जो हैं यहाँ हिंदुस्तान भर के प्रोफेशनल को आपने जोड़ दिया गंगानगर। एक महत्व तो भी रहा है, आप सब जानते हैं कि किस प्रकार के महत्व से हम देखते हैं। इसलिए
मैं उम्मीद करता हूं कि एक अब्दुल कलाम साहब ने बात कही थी, सी ए इज द पार्टनर ऑफ नेशन बिल्डिंग। वो ऐसे व्यक्तित्व थे कलाम साहब, उनके मुंह से बात निकलना आप लोगों के बारे में, ये नेशन बिल्डिंग के साथ में, तो आप सोच सकते हो कि समाज में आपकी क्या प्रतिष्ठा है। आपका कोर्स बड़ा टफ हुआ करता था, आज तो नहीं, आजकल पता नहीं क्या है, कुछ जमाने में मानते थे कि बहुत टफ कोर्स है, अब भी ऐसा नहीं। पर जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज के अंदर, तब लगता था कि हमारे साथी सीए कर रहे हैं वो बहुत टफ कोर्स वही स्तर में, आज भी वही स्तर मैनेज किया हुआ है सर। और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर एक कमेंट किया था और उनको अप्रिशिएट किया था, और एडवोकेट्स को भी बताया था कि किस तरह से आईसीआई अपना एग्जाम कंडक्ट करता है। सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट। सर ये वर्ल्ड टफेस्ट कोर्स है, गूगल पे वर्ल्ड टफेस्ट कोर्स सर आज भी है। आपके जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तब आप और व्यस्त हो जाते हो, और कितने व्यस्त हो ये विषय में दिख रहा है। अधिकांश लोग कारों में चलते हुए इस विषय में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका कमिटमेंट है, इसलिए आप भाग भी ले रहे हो, चाहे चलते हुए गाड़ी में भी क्यों नहीं हो, इतने व्यस्त आप लोग हैं, इस बात का एहसास हम सबको है। इतने में अब क्या लंबी बात करूं, आप तो सब एक्सपर्ट बैठे हैं एक से बढ़कर के, इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे विनोद राय याद आते हैं, जो चार्ट अकाउंटेंट तो नहीं थे, ब्यूरोक्रेट थे, पर सीन ए जी थे वो जब बनाया गया था, और जब यूपीए गवर्नमेंट ने शानदार काम किए थे उस वक्त में, एहतियात बनाया था देश के अंदर आरटीआई, दुनिया में कहीं नहीं था ये राइट इन्फॉर्मेशन, बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम था। नरेगा में पार्लियामेंट कानून बना के लोगों को रोजगार का अधिकार दिया, रोजगार अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई थी यूपीए गवर्नमेंट में, जब चाहे वो नरेगा हो, चाहे आरटीई हो, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, ये कोई मामूली बातें नहीं थी। और ये जो मोबाइल और राजीव गांधी का सपना था 21st सेंचुरी का, कंप्यूटर मोबाइल का, आज दुनिया मुट्ठी में है, आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है, जो जानकारी है, क्योंकि आपका तो विषय ही बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है उसमें, तो उसके अंदर कितनी तरह की आप सोच सकते हो कि एक कंप्यूटर के माध्यम से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो और कर रहे हो, गूगल और जो कुछ भी उसमें है, बच्चे तो हमसे आगे हैं। तो ये जमाना जो है राजीव गांधी का सपना था उसमें आया था, और उसी रूप में कानून ऐसे बने पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त में, फूड सिक्योरिटी का, गरीबों के 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, आरटी बन गया, राइट टू एजुकेशन, नरेगा में आप देखते हो कि जो माइग्रेंट फिर रहे थे कोरोना के अंदर क्या स्थिति हुई देश के अंदर, राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया उस वक्त में, शायद आप लोग भी तायद करेंगे। परंतु जिस रूप में महसूस किया हम लोगों ने कि उस वक्त में जब यूपीए गवर्नमेंट चल रही थी और इतने अच्छे से काम हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा विद्वान व्यक्ति था जिसकी दुनिया लोहा मानती, दुनिया के मुल्कों में जब कभी चर्चा होती थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में एक अलग तरह का ऑरा बना हुआ था दुनिया के अंदर भी, वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर थे। तो विनोद राय ने जिस प्रकार से 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया 2G स्पेक्ट्रम में, कोल गेट में, पता नहीं क्या क्या बोल दिए। अभी मैंने बड़ा अखबार में 15-20 दिन पहले उन्होंने माफ़ी मांगी है संजय निरुपम से, वहाँ लिखित में माफ़ी मांगी है। तो आप बताइए, जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी के पद में बैठे हुए हों और वो अगर ये स्थिति बनने बन जाए, इसके माने कि वो चार्ट अकाउंटेंट नहीं थे पर काम तो वो उसी ढंग का कर रहे थे, हेड कर रहे थे CNAG को। आप बताइए, वो अगर उनके बोलने मात्र से देश के अंदर हवा बन गई हमारे खिलाफ में, यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ में, तो आप अपनी जिम्मेवारी तो समझते ही हैं, पर आप कल्पना कीजिए कि आपकी कितनी बड़ी क्रेडिबिलिटी है समाज के अंदर, क्या झूठे आरोप लगाया उसने। एक बार तो देश ने मान लिया कि मिस्टर विनोद राय ठीक बोल रहे हैं, यूपीए गवर्नमेंट बहुत बड़े करप्शन हो गए, वो 1,76,000 करोड़ के, और सरकारें बदल गई। तो मैं इसको इस रूप में मानता हूँ कि आप लोगों की क्रेडिबिलिटी तो बहुत बड़ी है, एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई बात कह दे
तो लोग मानते भाई कि चार्ट अकाउंटेंट का तो ऑडिट करके कहा होगा, तय तक पहुंचे होंगे, बारीकी से अध्ययन किया होगा, तब जाके बात कह रहा है। इतनी बड़ी आपकी विश्वसनीयता बनी हुई देश के अंदर, तो मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूंगा, कृपा करके देश हित के अंदर आप अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखें और बढ़ाएं, मजबूत हो, आपकी सहजता मजबूत हो, इस प्रकार के संबंध होते रहें, इंटरेक्शन होते रहें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब ये आपका जो क्षेत्रीय सम्मेलन चल रहा है उसमें जो आप लोग डिस्कशन करेंगे और फैसले करेंगे वो आपके प्रोफेशन में दूरगामी परिणाम देश हित में देंगे, देश की अर्थव्यवस्था के लिए देंगे, और इंडिविजुअल जो उद्यमी है, कॉर्पोरेट फर्म है, उन सब के लिए आप लोग एक नए आयाम और कीर्तिमान आयाम आप लोग स्थापित कर पाएंगे। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।